guys, today I am gonna draw a pet portrait in Ibis Paint X. So let's start the process. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी आइज से. तो आइज का कलर पिक करके इसकी लेयर चेंज करेंगे और इसकी आउटलाइन बना लेंगे. फिर इसके अंदर कलर फिल कर देंगे. उसके बाद तो उसकी दूसरी आई है उसकी भी आउटलाइन बना के उसमें कलर फिल कर देंगे. नेक्स्ट जो उसकी आइज के पास का एरिया है उसकी भी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे. बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो इसका मेजर एरिया है उसकी आउटलाइन बनानी है, क्योंकि हम लोग एक फ्लैट इलस्ट्रेशन बना रहे हैं तो हम लोग को इसमें ज़्यादा डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें कलर फिल करने के बाद उसकी जो दूसरी आई है वहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करना है. और इसमें भी हम कलर फिल कर देंगे. इतना ध्यान रखना है कि हमको स्मूथ लाइंस बनानी है. नेक्स्ट जो उसके दूसरा एरिया है उसको भी कर देंगे. इसको मैं थोड़ा लाइट ग्रेड का कलर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कलर देख सकते हैं हम लोग कि लाइट है, तो लाइट कलर लेंगे. इसकी भी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे. इसमें बस अभी इतना ही रहने देंगे, क्योंकि जब डार्क एरिया करेंगे उसके बाद में इसकी आउटलाइन कंप्लीट करेंगे. इसमें भी मेजर एरिया फिल करके अब हम लोगों को दूसरी साइड भी ऐसा ही करना है. इसमें भी अब हमें जो कान के पास का एरिया है उसको भी आउटलाइन इसकी कंप्लीट कर देंगे और देन इसमें कलर फिल भी हो जाएगा. आफ्टर दैट जो दूसरा एरिया है उसमें भी सेम ऐसा ही करेंगे. बस हमें ये देखना होगा कि जो ये मेजर एरियाज़ हैं उन्हीं में हमें ये आउटलाइंस बनानी है. अब इसमें भी हम लोग कलर फिल कर लेंगे. कलर फिल होने के बाद अब इसके जो ईयर्स हैं उनकी आउटलाइन बनाएंगे उसके एक डार्कर कलर से. मतलब ब्राउन भी ले सकते हैं, ब्राउन और समथिंग उसी के टाइप का. इसकी भी आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे. अब जो अदर ब्राउन एरियाज हैं उनकी भी हम आउटलाइन कंप्लीट कर लेंगे. हमें ये ड्राइंग फिंगर से नहीं बनानी है, हमें बस एक स्टाइलस यूज़ करना है. स्टाइलस हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now we have completed the outline and fill in the color. The other side we will do the same. For smoother lines we can use thinner brushes, and for filling in we can use more thick brushes.
Now we will complete the outline, that is left of the other ear. Now we have completed the outline and fill in the color. Then we will do the inner area of the ear with a lighter color. First we will do the fur that is coming out. And we will do the same with the other ear. After completing the ears, we will do the outline of the nose. We will leave the area for the nostrils. After filling the color, we will do its mouth. After that, we will do its tongue. Now we will do the inner area of the ear. First we will do the darker color. And now we will do the lighter color. And fill in the color after completing its outline. And we will do the same on the other side. उसके सारे white area में भी हमें color fill कर लेना है
और जो छोटी मोटी डिटेलिंग्स थी वो भी कर देनी है। और जो इसकी नोज़ की शेडो थी उसको हमें थोड़ा डार्कर ग्रे कलर से कर दिया है। इमेज लेयर को हमने रिमूव कर देना है और जो कलर वाइट एरिया रह गया था उसको भी हमें फिल कर देना है। और उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड भी कर देंगे। एंड हेयर इज़ दी फाइनल प्रोडक्ट।